अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको वो वर्क डन फाइंड आउट करना है जब हमारा जो चार्ज है वो 2 कूलम का जब चार्ज 2 पॉइंट के बीच में मूव करेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। सो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम वो चीजें लिख लेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि चार्ज है हमारा कितना, Q इज इक्वल टू 2C, C इज फॉर कूलम जो कि मूव कर रहा है 2 पॉइंट्स में जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू 12 वोल्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है वर्क डन W। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है हमको। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है, V गिवन है, Q गिवन है, इस Q को हम इधर ले जाएंगे तो वर्क डन हो गया हमारा V इंटू क्यू नॉट। वैल्यू रखेंगे हम, V की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट इंटू क्यू कितना है 2C। सो कितना आ जाएगा, ये वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा 24। क्या वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स, सो इट्स 24J। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब हमने करंट की बात की थी तो हमने एक चीज वहां पे डिस्कस की थी, जब भी हमें किसी सर्किट में करंट मेजर करना होता है तो वी यूज अ डिवाइस कॉल एमीटर। उसी तरह अगर हमें किसी सर्किट में वोल्टेज मेजर करनी होती है सो वी यूज अ डिवाइस वोल्टमीटर। वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज। टू मेजर दी वोल्टेज इन अ सर्किट। ये तो एक पॉइंट हो गया कि हम अगर हमें कोई भी सर्किट में अगर वोल्टेज मेजर करनी होती है तो हम वी यूज अ डिवाइस कॉल वोल्ट मीटर, ठीक है। बट जब हमने एमीटर के बारे में डिस्कस किया था जो कि करंट मेजर करता है तो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एमीटर हमेशा जिस भी सर्किट में हमको करंट मेजर करना होता है उसमें हम किस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्शन में। उसी तरीके से अगर लेट सपोज हमारा ये सर्किट है इस तरीके का, लेट सपोज वी हैव अ सर्किट लाइक दिस जिसमें बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का टर्मिनल है प्लस और माइनस, सो इट्स अ बैटरी। सो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो जो कि इसमें चार्ज मूव करवाएगी लाइक दिस। लेट सपोज मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट का जो कि इन अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल है, इसका मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है कि कितना वोल्टेज चार्ज इससे फ्लो कर रहा है, कितने वोल्टेज का करंट इससे फ्लो कर रहा है बेसिकली। तो वोल्टेज हमेशा फाइंड आउट करने के लिए जो वोल्ट मीटर है, जिस भी सर्किट के में आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो हमेशा वोल्ट मीटर उसके पैरेलल कनेक्ट होगा। अगर सर्किट ऐसा है तो वोल्ट मीटर हमेशा ऐसे कनेक्ट होगा प्लस माइनस। सो ये वोल्ट मीटर हमें क्या बताएगा, इस सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रही है उसका मेजरमेंट ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा। और ये हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल। सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये वोल्ट मीटर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और आपको गलत रीडिंग मिलेगी वोल्टेज की। हमेशा सही रीडिंग के लिए वोल्ट मीटर को यू हैव टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर पैरेलल टू द सर्किट इन विच यू वॉन्ट टू मेजर दी वोल्टेज। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है यहां पे? कन्वेंशनल मतलब आप कह सकते हो अ ट्रेडिशनल वे और ट्रेडिशनल थिंग, जो कि हमारे पास एक फैक्चुअल थिंग है जो कि ऐसे ही होती है। सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लेट सपोज आपके पास एक कंडक्टर है लाइक दिस, जो कि एक वायर से कनेक्टेड है एंड दैट वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी लाइक दिस। सो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बैटरी क्या करेगी आपकी? बैटरी इज बेसिकली प्रोवाइड यू द एनर्जी और बैटरी विल प्रोवाइड द व्हाट? बैटरी विल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस प्लस एंड माइनस। अब क्या होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एज दिस सर्किट इज अ क्लोज सर्किट और यू कैन से ये एक कंप्लीट सर्किट है, सो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो हमें बैटरी ने दिया, लेट सपोज दिया V, सो ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। सो जो चार्ज होंगे इस वायर में वो यहां से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे Q लाइक दिस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और वो रीच करेंगे इस कंडक्टर को जो कि यहां पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। इस कंडक्टर में क्या होंगे जो हमने स्टार्ट करा होगा? ये जो कंडक्टर है ये बना होगा मैटर से और मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। सो इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसमें कंसीडर करते हैं कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, प्रोटॉन बहुत मिनिमल अमाउंट में होते हैं। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दिस कंडक्टर इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सो अब क्या हो रहा है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चल के इस कंडक्टर के इस एंड पे आता है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को बेसिकली एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। अलाइन मींस लाइक दिस। अब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज क्यू आ रहा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। बट हमारा जो करंट है वो कहां फ्लो कर रहा है? इधर या इधर? हमारा करंट अगर चार्ज इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, तभी हमारा सर्किट प्रॉपरली फंक्शन करेगा। सही या गलत है ना? मान लीजिए अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है और हमारा चार्ज इस डायरेक्शन से आ रहा है और इसको सर्किट कंप्लीट करना है तो उसको इसी डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा। बट यहां से जो चार्ज आ रहा है वो किसका एंड का है? वो एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिव। तो वो इस ऐसे मूव करने चाहिए, क्योंकि जब हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, सो उस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, बट हमारा करंट क्या है? वो भी इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। सो जब हमारा
जो ये चार्ज है, जो करंट है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो चार्ज होगा वो इस यहां से निकल के इस टर्मिनल से बाहर आना चाहिए, तभी वो टर्मिनल बी तक रीच कर पाएगा बैटरी के। सही या गलत? सही बात है ना। जब हमारा चार्ज यहां से चल रहा है टर्मिनल ए से, वो यहां पे जा रहा है, तो इस कंडक्टर को क्रॉस करेगा तभी वो टर्मिनल बी तक जा पाएगा, कोई और वे तो है नहीं हमारे पास। सो जो डायरेक्शन यहां निकल के आया करंट का, वो क्या था हमारा? हमने ऑब्जर्व किया जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज था हमारा, वही हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। बट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट है। और कंडक्टर में क्या मूव करते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? कंडक्टर में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज कंपैरिजन टू प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में होते हैं कंडक्टर में, दैट्स व्हाई मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। सो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट और पॉजिटिव चार्ज दोनों इस तरीके से मूव कर रहे हैं। सो यहां से जो निकल के आता है वो हमारा अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज ही निकल के आता है, जिससे कि डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन दोनों का एग्जैक्टली सेम हो जाता है। और यही हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, दैट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का, वही हमारा डायरेक्शन होता है करंट का भी, जो कि हमने इस चीज से वेरीफाई भी किया। सो इसका मतलब सर आप तो एक चीज और बोल रहे हो, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ वॉट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हां मैं तो यही बोल रहा हूं कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा उल्टा होगा। यही चीज हमने यहां वेरीफाई करी कि करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, और करंट और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी मूव कर रहा होगा। यही होता है हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। Now we are going to talk about the flow of charge through a conductor. अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि conventional direction of current एक conductor के अंदर कैसे होता है, या एक charge conductor के अंदर कैसे flow करता है, पर सर आपने हमको ये तो बताया ही नहीं कि अगर charge conductor के अंदर flow हो रहा है तो उसका reason क्या है, वो conductor के अंदर ही क्यों flow हो रहा है, वो किसी प्लास्टिक बॉडी या किसी वुडन बॉडी के अंदर तो मूव होता नहीं है, वो हमेशा एक कंडक्टर के अंदर ही मूव होता है, इसका रीजन क्या है। सो चलो आओ जानते हैं इसका रीजन क्या है। लेट सपोज कि मैं आप सभी को एक कंडक्टर दे देता हूं लाइक दिस, देयर इज अ कंडक्टर लाइक दिस, और मैं इसको किसी भी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर रहा, वी आर नॉट कनेक्टिंग इट टू एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हम इसे किसी भी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं बैटरी, सो यू विल अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटरली। बैटरी, हमने एक कंडक्टर लिया, दिस इज आर कंडक्टर, जिसको ना कि हमने किसी बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट किया है, ये बस एक कंडक्टर है जो कि हमने एक रूम टेम्परेचर पे ऐसी रख दिया है। सो मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर बेसिकली मेड अप ऑफ किसके होते हैं, मैटर्स के। सो मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, बट
एज कंपेयर टू इलेक्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज इन ग्रेटर अमाउंट इन साइड द कंडक्टर. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर इन कंपेरिजन टू द प्रोटॉन. सो मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से यह है कि अभी जब हमने यहां पे जो केस था ये डिस्कस किया था, तो हमने यहां पे देखा था कि जब हमने अपने इस सर्किट में यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी थी तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया था. सो मेरा क्वेश्चन अभी आप सभी लोगों से ये है कि लेट्स सपोज ये मेड अप ऑफ होता है कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स टुगेदर. सो इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, देयर विल बी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो अभी हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा है विदाउट कनेक्टिंग इट टू एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो आप मुझे ये बताइए कि रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे कि नहीं होंगे, सोच के बताइएगा. हमने इसको किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट नहीं किया है. सो मे जस्ट वी हैव पुट इट लाइक दिस नॉर्मली इन अ रूम टेम्परेचर. सो माय क्वेश्चन इज वेदर इट विल गोइंग टू मूव और नॉट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. इलेक्ट्रॉन्स तो 24/7 ही मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स विल मूव कंटिन्यूअसली लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. सो रूम टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के अंदर है वो मूव कर रहे होंगे. सो अब आप उससे पूछोगे सर अगर मान लीजिए ये मूव कर रहे होंगे रूम टेम्परेचर में, तो लेट सपोज कोई भी कंडक्टर है कोई भी डिवाइस है अगर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन नॉर्मली भी मूव कर रहे होंगे तब वो डिवाइस फंक्शन क्यों नहीं करता प्रॉपरली. अगर मान लीजिए इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो वो डिवाइस फिर भी फंक्शन क्यों नहीं करता. मेन पर्पज तो हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव होने चाहिए तभी वो डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन करेगा. द थिंग इज द इलेक्ट्रॉन्स at room temperature will also be in motion but their motion is completely completely random. रैंडम से मेरा मतलब यहां पे ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रूम टेम्परेचर पे भी मोशन में होंगे पर इनका जो मोशन होगा मोशन स्टेट वो बिल्कुल ही रैंडम होगा. रैंडम मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, एक यहां मूव कर रहा होगा एक यहां मूव कर रहा होगा एक यहां एक वहां एक यहां एक वहां. सो जो भी ये मूवमेंट कर रहे होंगे तो ये जो ये जो हमारा कंडक्टर है ये बेसिकली कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल ही एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत क्लोज हैं टू ईच अदर. सो लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पास है तो जैसे ही मूव करेगा तो ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे और ये अपने वापस अपनी ही इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा या ऑलमोस्ट नियर बाय अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. दो इट इज इन मोशन बट इट विल बी गेट कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन एंड कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. सो इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहे हैं बट उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. अब आपके मन में थॉट होगा सर अब आप दूसरी बात कर रहे हैं, अभी तो आप बात कर रहे थे कि मोशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का बट अब आप बात कर रहे हैं कि वो अपनी जो मोशन तो हो रहा है बट वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही मूव कर रहे हैं. सो इससे हमारा मतलब क्या है, इससे हमारा मतलब ये है दैट मींस देयर विल बी नो वेलोसिटी, देयर विल बी नो
displacement. There will be no displacement, hence there will be no drift velocity. Inside the conductor. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी इनिशियल पोजिशन से मूव ही नहीं हो रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उनका डिस्प्लेसमेंट, कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट और कंप्लीटली जीरो है. एक्चुअली मूव तो हो रहे हैं बट इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और उसी की वजह से जो इनकी वेलोसिटी है वो भी जीरो हो गई. वाय सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली जीरो हो गई. और जो वेलोसिटी को हमने यहां नाम दिया वो क्या नाम दिया, हमने बोला इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वाई ड्रिफ्ट, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड गेटिंग कोलाइड विथ ईच अदर एंड कमिंग बैक टू its initial position again. That's why the velocity between such kind of electron will be named to be as a drift velocity. And why this happening? This is happening because there is no potential difference. Potential difference से आप लोग क्या समझते हैं? अब potential difference से हमारा मतलब यहां पर यह है कि यहां पर कोई external source of energy नहीं है, this because of which there will be no movement of electrons taking place and hence the current inside this conductor is zero. बात आई समझ में? I is equal to zero. That is our conclusion. So, जो अब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है, अब हमारे मन में यह क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स अगर बैटरी नहीं है हमारे सर्किट में, सो इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं होंगे एंड दस देयर विल बी नो करंट. बट उस केस में क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर हमारे पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड हैं. लेट सपोज वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस विच इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक दिस. सो एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इस केस में क्या हो गई? बैटरी इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. Battery is what? Source of energy. So battery is doing what? Battery is basically providing the potential difference VA and VB across both the terminals of the conductor. So क्या होगा जब battery, we will going to connect a battery, जो charge होगा वो इधर move होना start हो जाएगा और move होता 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 इस point पे पहुंच जाएगा conductor के. जैसे चार्ज हमारा यहां पे पहुंचेगा, और चार्ज का नेचर क्या है? पॉजिटिव. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां से चल के यहां पे पहुंचेगा, सो जो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड होंगे इस पर्टिकुलर बैटरी के, ओ सॉरी इस पर्टिकुलर कंडक्टर के, दे विल गोइंग टू अलाइन देमसेल्व. दे विल गोइंग टू अलाइन देमसेल्व लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, गेट अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन.
उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अभी तक रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे इन अ रैंडम डायरेक्शन, दे विल बी गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इनिशियल पोजिशन एंड विल बी गेट अलाइन लाइक दिस. सो वॉट विल हैपन, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, इट विल दे विल स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. और ये क्यों होगा, बिकॉज दे आर नेगेटिव इन नेचर एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. सो द पॉजिटिव चार्ज विल मूव लाइक दिस एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव लाइक दिस एंड आर करंट विल मूव लाइक दिस. So the current will flow in the circuit. So what is the conclusion? When we connect battery to the conductor, the electrons which are negative in nature, will be going to align themselves in a particular direction accordingly. अब ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन तो कर लिया, पर क्यों अलाइन कर लिया, ये कैसे अलाइन कर लिया? दिस इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिटवीन देम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड दस the displacement is no more zero and current will flow in the circuit. So this is how the current will flow in a circuit. जब हम किसी भी conductor से battery और या कोई और external source of energy connect कर देते हैं, so जो भी conductor के अंदर electrons होते हैं they will going to align themselves in a particular direction. Align means align से हमारा मतलब ये है कि उनके बीच में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आ जाती है. और वो क्यों आ जाती है, दिस बैटरी विल गोइंग टू प्रोवाइड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल वी ए एंड वी बी. सो ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी इनिशियल पोजिशन से मूव करके दूसरी पोजिशन एक्वायर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट, और आप कह सकते हैं दे विल बी गेट डिस्प्लेस्ड from their initial position. And due to this displacement, the displacement will not more equal to zero. D will not more equal to zero. Thus, velocity is not more equal to zero and the current will flow inside the circuit. So, this is how the current will flow in a conductor. I hope it's clear. Note it down, please.